तो हे गाइस, पार्की हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। पहली अपडेट निकल कर आती है टीम गोडलाई की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है कि कल थी कृष्ण जन्माष्टमी एंड उसके सेलिब्रेशन के टाइम में पूरी गोडलाई ने SA12 के लिए भेजा है एक मैसेज एंड वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस, गोडलाई की ओर से SA12 फैमिली को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। एंड गाइस, पहले गोल्डी भाई ने गोडलाई को डिनर पर बुलाया एंड उसके बाद गोडलाई की तरफ से ऐसा रिप्लाई, मतलब व्हाट एल्स डू वी नीड गाइस। गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट भाई के रिलेटेड, जिसको शेयर किया है गोल्डी भाई ने। जैसे कि अभी स्काउट भाई टीम 7Cs के साथ में खेल रहे हैं PMWI आफ्टर पार्टी, तो किसी इंटरनेशनल बंदे ने गोल्डी भाई को मैसेज किया है स्काउट भाई के बारे में एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया है स्काउट को एंड ये सबको शेयर किया गोल्डी भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर, जो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। एक बहुत बड़े सीनियर लेवल के बंदे ने मुझे टेक्स्ट किया, नॉट श्योर इफ ही विंस और नॉट गेटिंग दैट चेक, स्काउट इज रियल एक्टिंग, रियल मैच्योर, ग्रेट वर्क बाय यू ऑन हिम, हैवंट सीन हिम दिस प्रोफेशनल एंड विद क्लियर थॉट्स एंड विजन इन इयर्स। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्काउट का रिप्लाई, वी डिड इट टुगेदर, ये होता है, समझ रहे। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट भी निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से, तो उन्होंने उसी सेम लाइव स्ट्रीम में बात की है उन लोगों के बारे में जो कि मोबाइल गेमर्स को हेट करते हैं अगर मोबाइल गेमर कोई पीसी गेम आकर खेलने लगे एंड पीसी गेम्स पर भी भाई हमारे मोबाइल गेमर्स की वॉचिंग अच्छी आती है एंड ये चीज से कुछ लोग ऑफेंड भी हो गए थे। तो उनका रिप्लाई करते हुए गोल्डी भाई ने ये कहा, मोबाइल गेमर्स आर्मी में आए हैं और ऑडियंस अट्रैक्ट होनी शुरू हुई है और उसमें आप लोगों को भी देखनी शुरू हुई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और SA12 यार मोबाइल में तो रहा ही नहीं, मतलब मेरे ख्याल से सब कुछ ही करते हैं हम, तो मोबाइल कंटेंट टीम ऑफ द ईयर ईस्पोर्ट्स अवार्ड में नॉमिनेट हुए तो कुछ तो करते ही होंगे, पैसे देखे तो वहाँ अवार्ड में जा नहीं सकते, मिस्टर बीस्ट को हम पैसे देखे तो रिप्लाई कराएंगे नहीं, बाकी स्ट्रीमर से जलिए मत, उनकी बराबरी करने की कोशिश करिए, ब्रिंग आउट योर ओन कंटेंट एंड डू समथिंग्स। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वैक्सी के रिलेटेड, तो जैसा कि हमको रिसेंट कुछ टाइम में सुनने को मिला था कि अगर BGMI वापस नहीं आता है तो इंडिया की कुछ ऑर्ग बाहर जा सकती है एंड उसके रिलेटेड एक न्यूज को शेयर करते हुए सोमराज भाई ने बताया कि इट माइट बी पॉसिबल कि वैक्सी हमको किसी और कंट्री में दिख सकते हैं किसी और ऑर्ग के साथ खेलते हुए। तो एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा, वैक्सी ने कॉम भी छोड़ दिया गया, वैक्सी का नहीं पता, मोस्टली वो दुबई शिफ्ट हो रहा है शायद, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि इंडिया में तो उसको टीम अभी नहीं मिल रहा है, ना मेरे को कोई इन्फो है कि वो ट्राई कर रहा है, बट हम सुने ही दुबई वो ट्राई कर रहा है शिफ्ट होना, और वैक्सी हैज ऑलरेडी इतने सारे अचीवमेंट्स है। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है टीम गोडलाई की तरफ से, तो कल गोडलाई के कोनर गोडल अमर ने जो लोग गोडलाई के रिलेटेड यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करते हैं उनको एक मैसेज देते हुए ये कहा, टू द रेस्पेक्टेड पीपल इन द कम्युनिटी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सीक परमिशन फ्रॉम आवर मैनेजमेंट बिफोर पोस्टिंग एनी कंटेंट रिगार्डिंग गोडलाई और एनी गोडलाई मेंबर, मिसलीडिंग ऑडियंस इन द नेम ऑफ गोडलाई वोंट बी टॉलरेटेड, वी पर्सनली डोंट हैव एनी इशू बट क्रिएटर्स शुड सेट देयर बाउंड्रीज टू एन एक्सटेंट। एंड बाद में ये चीज को न्यू एंड घातक भाई ने भी शेयर किया था। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है PMWI के रिलेटेड, तो जैसा कि ज्यादातर PUBG एंड BGMI के टूर्नामेंट्स में एक फैन फेवरेट अवार्ड भी रहता है जो कि हर बार ऑडियंस के हाथों में रहता है कि वो सबसे ज्यादा किसको वोट करेंगे, तो PMWI आफ्टर पार्टी शोडाउन के लिए PUBG मोबाइल ऑफिशियल्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें सबसे ज्यादा लाइक जिसके नेम पर आएंगे उसको फैन फेवरेट अवार्ड मिलेगा। एंड वैसे तो इसमें सबसे ज्यादा लाइक अभी स्काउट भाई के कमेंट पर है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पोस्ट पर है 1,06,000 लाइक एंड स्काउट भाई के खुद के कमेंट पर हैं 1,15,000 लाइक्स, जो कि भाई इस पोस्ट से भी ज्यादा हैं। तो अब ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गया कि फैन फेवरेट अवार्ड स्काउट भाई को मिलने वाला है। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है टोटल गेमिंग की तरफ से, तो आई एम श्योर आपने उनका भाई नाम सुना ही होगा, ही इज द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर इन इंडिया एंड उनके चैनल पर है 33.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बताया था जहाँ पर थक भाई के कमेंट पर मिस्टर बीस्ट ने भी एक कमेंट किया था एंड उस मिस्टर बीस्ट के कमेंट पर इंडिया के बहुत ज्यादा क्रिएटर्स ने रिप्लाई दिया था एंड उनमें से एक थे टोटल गेमिंग। उनका कमेंट्स पर क्या था वो तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं मिला, बट उसके रिलेटेड एक चीज को शेयर किया टोटल गेमिंग ने, जहां पर एक वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हो, टोटल गेमिंग टोल्ड SA12 एंड ये चीज को शेयर करते हुए टोटल गेमिंग ने इस पर ये कहा, भाई SA12 को नहीं बोला, सिंपल बात है, अगर थक भाई को रिप्लाई आया है तो मिस्टर बीस्ट 99% SA12 के साथ ही कोलैब करेगा, बट वहां पर और भी यूट्यूबर कोलैब के लिए पूछ रहे थे तो उसे ट्रोल किया, मेन एम तो न्यूज में आना ही था बट ये गलत वे में आ गया। इसके बाद
भाई थक भाई ने भी उनको रिप्लाई किया था, अज्जू भाई कॉन्ट्रो की दुनिया में वेलकम। एंड इसके बाद टोटल गेमिंग उस पर ये कहे ना भाई नो कॉन्ट्रोवर्सी। एंड इसके ऊपर एक और कमेंट आया था जो कि भाई यहाँ पर तो मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, बट उसके रिप्लाई में टोटल गेमिंग ने कहा बेमतलब का लोग गोल्डी भाई और थक के साथ रिलेशन खराब करवा देंगे। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ओशन शर्मा के रिलेटेड। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी स्काउट ओपी एंड जोनाथन 16 द सोलो क्लच मास्टर्स। एंड उसके बाद उनके इंस्टाग्राम पर जाकर कुछ लोग उनको हेट देने लगे, जिसके रिप्लाई में ओशन शर्मा ने ये कहा कंपेयर नहीं किया है, अप्रिशिएट किया है दोनों एरा के क्लचेस को, अप्रिशिएट करना और हेट फैलाने में फर्क होता है लॉकडाउन के बच्चों। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्पार्की इज गोइंग टेक्निकल की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कितने ज्यादा चाइनीज स्मार्टफोन बिकते हैं, एंड ये न्यूज के मुताबिक अभी सारी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज अंडर ईडी है। एंड वीवो इंडिया के 119 बैंक अकाउंट को अभी फ्रीज कर दिया गया है। तो क्या इंडिया में सभी चाइनीज स्मार्टफोन का बिकना बैन होने वाला है? ऑफिशियल तो इसके ऊपर कोई भी न्यूज नहीं है। लेट्स सी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी की तरफ से हमको क्या सुनने को मिलेगा। और गाइस नेक्स्ट है इंटरनेशनल अपडेट जो कि निकल कर आती है पीस कीपर एलाइट लीग मींस पीएल की तरफ से, जो कि है भाई चाइना का हाईएस्ट प्रोफेशनल लीग। एंड कल वो स्टार्ट हो गया था जहाँ पर पहले ही दिन पर टीम नोवा ने निकाले थे 3 चिकन डिनर। एंड डे 2 के बाद अभी नोवा चल रही है भाई नंबर 1 पर विद 125 पॉइंट्स। एंड टीम आरएसजी जो कि हमको पीएमडब्ल्यूआई के मेन इवेंट में भी देखने को मिली थी वो भी चल रही है नंबर 9 पर विद 67 पॉइंट्स। एंड अगर एलिमिनेशन लीडर की हम बात करें तो नंबर 1 पर जो चल रहे हैं उनका नाम तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, बट नंबर 2 एंड 3 पर इसमें चल रहे हैं ऑर्डर एंड पैराबॉय विद 18 एंड 17 किल्स। तो बस गाइस ये वीडियो के लिए केवल इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।